बहुत 2 साल से एकदम सो नहीं करके बैठा हुआ था, इतना तकलीफ था, एकदम सोच के इस घर में सो सो के परेशान हो गया। तो मैं सोचा मेरा भरस निकाल दो बोल के इस शो में, तो कोशिश तो क्या, पता नहीं कि लोग पसंद आया कि नहीं, लोग तो बोल रहे बहुत पसंद आया मुझे, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, मतलब है मेरा शो सक्सेस हुआ। क्योंकि लोग का फीडबैक लेने का बात ही मैं बोल सकता हूँ, मैं खुद बोलेगा तो बोस्टिंग कर रहे लगेगा, लेकिन हाँ मुझे शो करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन का बाद एक मेरा, हम लोग तो इवेंट मैनेजर हैं, दिल का अंदर खुन्नस निकलते शो करने के लिए, तो ये अपना शो करके बहुत अच्छा लगा और इन्जॉय भी किया, क्योंकि कॉन्टेस्टेंट भी बहुत अच्छा अच्छा लोग था और बहुत लड़का डिसेंट लोग हैं, तो मैं अच्छा लगा मुझे बहुत कुछ। मुझे कुछ हर साल मेरा एक वन स्टेप मैं बढ़ता हूँ, डायरेक्ट में जप मारना भी ठीक नहीं होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं हर समय में नया करूँ, ये मेरा ईश्वर का नया था। मुझे कुछ कमी तो नहीं, मेरा टीम बहुत अच्छा है, मेरा टीम में इतना अप्रिशिएट, सब मेरा 30-40 लोग टीम था, आपने देखा होगा, वो लोग बहुत अच्छा काम किया, आप भी, मैं हम लोग का टीम से ही, तो आप लोग भी बहुत अच्छा किया मीडिया में, तो मुझे सब आप लोग का पब्लिसिटी नहीं होता तो हम लोग भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसे मजाक समझते हैं लेकिन मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया बिना हम लोग किसी का सामने, किसी का तक हम लोग का वॉइस नहीं पहुँचा पाएगा, इसी वजह से हम सब हम लोग टीम वर्क बोल सकते हैं। आप लोग भी हम लोग का मीडिया पार्टनर थे, हम लोग का टीम वर्क ही था, तो टीम वर्क मुझे सक्सेस लगा और मुझे नेक्स्ट साल इससे और ग्रैंड करने कोशिश करूँगा, क्योंकि हर साल इस्ते वॉइस करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मुताबिक वो लोग डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ जवाब दे नहीं पाया, आप लोग भी देख रहा था पूरा जीनियो ने, क्योंकि उस समय देखो जो मैं भी जिसको एक्सपेक्टेशन किया था वो जीता नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन जिसको किया था वो हार गया, मैंने तजुर्बा को मैंने सोचा कि वो जीतेगा और वो कुछ कर सकेगा, लेकिन हाँ उसमें लड़का में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट में मार्क दिया गया हर चीज़ में दिया, लेकिन पर जजेस मार्क और जो पब्लिक रिएक्शन से हम लोग और उसका जो जीन्यून पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर मैं उल्टा पुल्टा करूँगा तो आदमी का एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगा, जो परफेक्ट दे सकते हैं, जो परफेक्ट कर सकते हैं पूरा मार्क प्लस करके ही मिलते हैं। तो मुझे वो लोगों को मैं पूछा तो वो लोगों को कुछ नहीं कमी, ऐसा नहीं कि मैं वो हार गया तो मैं उसका साथ काम नहीं करूँ, अभी जितना भी लोग है जो हार चुका है वो सब मेरा साथ काम कर, अभी जो मैं टीम अप देखा सब वो विनर, कोई भी विनर नहीं थे वहाँ पर, सब हम लोग का ना टॉप 10 नहीं आया ना 10, लेकिन वो लोग काम सीखा तो मेरा साथ काम कर रहा था। अभी वो लोग को लेके मैं, क्योंकि वो लोग को हम लोग यूथ को कहीं ना कहीं बिजी रखेगा, तो इस आजकल का ड्रग्स या ये पालतूगिरी से छुटकारा मेरे, इसमें 20-30 लड़का मेरा साथ काम करता है, वो लोग का पॉकेट खर्चा के लिए मैं दौड़ धूप करता हूँ और हम लोग टीम मिल के काम करते हैं, ताकि मैं वो लोग का पिताजी जैसा हूँ तो मैं वो लोग को रास्ता दिखाना मेरा फर्ज बनता है। या एक्चुअली आई एम रियली फाइन विद दिस सेकंड रनर अप। पहले तो मैं तो यही सोच रहा था कि विनर तो बनने से तो बहुत ही अच्छा होना था मेरे लिए, पर अभी तो फिलहाल मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, सो रूबरू तक जाना और इतना बर्डन हैंडल करना मेरे साथ नहीं हो सकता था, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग द टाइटल ऑफ फर्स्ट रनर अप और मे बी सेकेंड रनर अप, विच आई गॉट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड विद होल मिस्टर अरुणाचल कमिटी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। एक्चुअली बहुत सा यूथ लोग वो रहता है कि मॉडलिंग में वो लोग इंटरेस्टेड होता है, पर वो लोग का क्या होता है कि स्टेज फेयर रहता है जो मेरे पास भी था, पर आई वॉन्ट टू टेल देम दैट वंस दे स्टेप इन दिस स्टेज, यहाँ के जो ग्रूमर्स हैं आई रियली वॉन्ट टू थैंक देम बाय माई हार्ट, बहुत ही अच्छे थे वो ग्रूमर्स मिस्टर अरुणाचल के जो भी थे, नितिन सर, उसके बाद ये निकुम सर एंड सम ऑफ देम वर देयर, सो दे वर वेरी गुड टू अस, दे वर वेरी फ्रेंडली and they made us really, they really proved ourselves, they really helped us. Actually my next target, I'll see, I'll go on with the flow, what happens next god knows. मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए हम लोग ने बहुत मेहनत की थी और सब बहुत अच्छे थे और मेरा ख्याल से थैंक गॉड कि ये मुझे फर्स्ट रनर अप मिल गया, तो मैं ये मोमेंट एक अपने माँ से शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, थैंक यू। जर्नी बहुत टफ था एक्चुअली, सच बताऊँ तो यहाँ पर तक आने के लिए हम लोग ने बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि इस मेहनत का फल मिला है मुझे, तो मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ पुराने चाली का। नहीं, मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था तो ये मेरे लिए एक सडन है, तो मैं चाहता हूँ कि सब आने चली को मेरे तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया। मेरा सबको यही मैसेज है कि यूथ लोग को कि आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ेगा आगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसे होगा, तो मेरा यही मैसेज है कि सब अपने आप को बस कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते,
पहले आप ट्राई तो कीजिए, तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अभी और भी मॉडलिंग में मैं क्या बन सकता हूँ आगे जाके, और फिटनेस का बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहता हूँ, तो इसका बारे में भी मैं आगे जाके अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कोशिश शुरू करूँगा। वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल ट्राई माई बेस्ट जस्ट लाइक तुमकिन सर, हम उसका इज्जत रखने का ट्राई करेगा, और आई वॉन्ट लेट एनी वन पुट फिंगर ऑन माई सेल्फ एंड माई स्टेट। थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट या बिकॉज आई रियली पुट माई सॉरी I'm still very nervous. I really worked hard for this, so I think I deserve it. And my friends, fellow contestants, they were also good. I wouldn't say I'm better than them, but I deserve it because I really worked hard for this. I sacrificed my sleep, my food. Thank you. Next day, first of all, I'll take... I can't say right now. I really can't believe that I won this title. To public, I'll just say, just dream, because dreams really come true. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.